दमों में एकत्रित हुए प्रेरक। दमों में विधायक ने प्रेरकों से ऐसा क्या कहा? क्यों लगा प्रेरकों का हुजूम? पूरी वीडियो न्यूज जरूर जरूर देखें। नजारा मध्य प्रदेश के दमोह जिले का। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं गोपाल दास बैरागी। आप देख रहे हैं गोपाल दास बैरागी यूट्यूब चैनल। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस जरूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें व नोटिफिकेशन प्राप्त करने हेतु आप बेल को प्रेस जरूर 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 करें। साक्षरता सविता प्रेरक मोर्चा दमोह की ओर से आज एक प्रेरक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दमोह जिले के विधायक राहुल भैया ने उस कार्यक्रम में शिरकत कर प्रेरकों को कांग्रेस के घोषणा पत्र अनुसार अपने दिए गए वचन में, जो वचन कांग्रेस ने किया है, आज सरकार बनने के उपरांत उसे कब और कैसे पूरा किया जाएगा, यह बात आज दमोह के विधायक राहुल भैया ने आज वह को भी उपस्थित प्रेरक जन सैलाब के बीच में रखी। नज़ारा दमोह जिले के एक प्रेरक सम्मेलन में देखने को मिला। विधायक राहुल भैया ने प्रेरकों की पीड़ा को समझते हुए व कांग्रेस सरकार ने जो प्रेरकों से वचन पत्र के अनुसार जो वचन दिया है उसे किस तरह से कैसे पूरा किया जाए, इसके संदर्भ में सभी के बीच में उपस्थित होकर अपनी बात को रखा व प्रेरक की पीड़ा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तक पहुंचाने तक की बात रखी। साथ ही सभी को आश्वस्त किया है कि महज कुछ समय हुआ है मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर अति शीघ्र प्रेरक की पीड़ा को दूर किया जाएगा, इसके लिए कांग्रेस सरकार तत्पर है, कुछ ही समय में प्रेरकों की बहाली कर नए आदेश जारी किए जाएंगे। कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सरकार के जिनको कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा देके कराना पड़ता है। अगर संविदा प्रेरक जो लोग हैं जिन्हें साक्षरता में लगभग 15 से 20 साल से लगातार काम किया है, जैसे मतदाता सूची का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 1,000 रुपये महीने दिया जाता है, वो लगातार काम करते रहते हैं। इसी तरीके से जनगणना का कार्य होता है, इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के ग्राम पंचायतों में सर्वे भी होते हैं और लैपटॉप या यूनियन स्टाफ की माध्यम से मीटिंग होती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ आपका घर होता है कि अगर आपको मतदाता सूची का ही काम दे दिया जाए एक प्रेरक के रूप में, साक्षरता के प्रेरक के रूप में, वित्तीय साक्षरता के प्रेरक के रूप में, स्कूल मोटिवेटर के रूप में स्कूल चले होंगे, तो बहुत सारी सरलता से आपका जो आगे का काम है वो सरल हो जाए। तो मैं आदरणीय राहुल भैया से अनुरोध करूँगा कि सरकार के माध्यम से बात को रखेंगे तो जरूर आपके परिवार के चलाने में और आपको आगे बढ़ने में मदद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरक साक्षरता सम्मेलन मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय चरण विश्वकर्मा जी, संरक्षक राम बिहारी विश्वकर्मा जी, हमारे बीआरसी आदरणीय पदम सिंह जी, हमारे साथ चल रहे मनदीप यादव जी, दीपक मिश्रा जी, शैलू यादव जी और कमलनाथ जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जब भी कोई वो रास्ता निकालते हैं तो रास्ता परफेक्ट होता है और लंबे समय के लिए होता है। और उस वचन पत्र जो है वो घोषणा पत्र नहीं था हमारा, तो वचन पत्र था और संकल्प पत्र था। इस प्रकार संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जो वचन पत्र में था वो हम 100% करेंगे ही। तो जो भी काम करेगा, जो भी चीज तय होगी आपके लिए वो पुख्ता होगी और जीवन पर्यंत के लिए होगी। तो जब हम पंद्रह साल रुके यदि 2-4-6 महीने और रुक जाए तो क्या दिक्कत क्या है।